Hello students, today I am present here with the elements of art and activity 1, do yoga with the line art. The elements of art are the tools that an artist uses to make an artwork. 7 elements are here. In 7 elements ke through jo hai na artist apna artwork karta hai. First element hamara aata hai line, vertical line, horizontal line, diagonal line, curve line. तो इन्हीं लाइंस के थ्रू जो है ना आर्टिस्ट अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है. सेकंड फॉर्म, फॉर्म ऑलवेज 3 डायमेंशन, हाइट, विड्थ एंड डीप, यानी कि इसको जो हम 3D भी बोलते हैं. रियल टेक्सचर एंड इम्प्लाइड टेक्सचर. रियल टेक्सचर इट कैन टच एंड फील, यानी कि जिस सरफेस को हम टच करते हैं और फील करते हैं वो हमारा क्या है, रियल टेक्सचर. एन इम्प्लाइड टेक्चर इट कैन टच एंड नॉट फील, यानी कि हम उस टेक्चर को जो है टच करते हैं और फील नहीं होता है, स्मूथ जो है महसूस होता है, वो क्या आएगा हमारा इम्प्लाइड टेक्चर. नेक्स्ट शेप, शेप ऑलवेज 2 डायमेंशन, हाइट एंड विड्थ. नेक्स्ट कलर, कलर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर. वैल्यू, हम कोई भी एक कलर लेंगे उसके जो है ना डार्क, मीडियम एंड लाइट उसके शेड्स होते हैं, तो उस कलर की एक वो वैल्यू होती है. लास्ट वन स्पेस, सी हियर ए ब्लैक सर्कल इज ए पॉजिटिव स्पेस एंड वाइट सरफेस इज ए नेगेटिव स्पेस. ओके, नाउ एक्टिविटी 1, डू योगा विद लाइन आर्ट. First of all, we write here date, day and CW. यानी कि जिस दिन भी हमें आपका जो है आर्ट वर्क मिलता है उस दिन का आपको डेट लिखना है, डे लिखना है एंड CW. लाइन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट. वी विल ड्रॉ द लाइन्स टू फिल इन द डिफरेंट योगा पोस्चर एंड आसन, यानी कि ये जो प्रीवियस पिक्चर दी हुई है इसके जो है देख के और इन जो है पोस्चर के अंदर, योगा के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन को जो है यूज करना है. जैसे ही आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना एक ही लाइन को यूज करते हुए, स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए इसके अंदर, इस पोस्चर के अंदर फील किया हुआ है. ऐसे सेम इसके अंदर जिगजैग लाइन यूज की हुई है, तो आपको इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर के अंदर आपको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लाइन यूज करनी है. फॉर एग्जांपल, हमने इस पोस्चर के अंदर जो है स्केल की हेल्प से एक जो है ना हॉरिजॉन्टल्स लाइन हमने इस तरह से फील कर दी है, और ये लाइंस जो है आप अपने कलर से भी बना सकते हो, पेंसिल कलर, स्केच कलर, या फिर आप विदाउट जो है कलर के आप इस पेंसिल के हेल्प से इसको फिल करेंगे. तो इस तरह से इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको कोई भी पार्ट है उसके अंदर ये ही डायरेक्शन आपको रखनी है, तो इस तरह से हम इसको फिल करेंगे. तो इस तरह से हमें हर एक पार्ट में उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो है इसको फिल करना है. जैसे मैंने ये जैसे लेग्स में उसी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन में, हैंड के अंदर भी, इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल ही लाइन यूज करनी है. फिर नेक्स्ट इसमें मान लीजिए आपने जिगजैग यूज कर लिया है, तो हर एक पार्ट में इस तरह से जिगजैग लाइन ही यूज करनी है. तो सभी में इसको हमें फिल करना है लाइन के थ्रू, कलर के थ्रू, एज यू विश. ओके, तो आज ने हमें जो है क्या सीखा है, वी विल लर्न अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. 7 एलिमेंट्स आर हियर, लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, शेप, कलर, वैल्यू एंड स्पेस. डू योगा विद लाइन आर्ट. थ्रू दिस एक्टिविटी वी विल लर्न अबाउट लाइंस एंड योगा पोस्चर. जो जो योगा पोस्चर है उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन का कैसे ही हमने यूज किया है. तो
तो इन एक्टिविटीज़ में हमने ये आज लर्न किया है। ओके, थैंक यू।